us. We're living in the moment, living in the moment. Your head is on my shoulder, but we're getting older. Baby, it's you and I. वेलकम टू अनदर वीलॉग। और आज का वीलॉग जो है वो हम एक यूके के एक और शहर जा रहे हैं और उसका नाम है मैनचेस्टर। वहाँ पे हमारा जो है वो नाइट स्टे है और अभी हम सुबह को 9:30 बजे यहाँ से निकले हैं। अच्छा, टेम्परेचर जो है आज यहाँ का 0°C चल रहा है। और मेरा यहाँ पे रुकने का, क्योंकि हम आधा घंटा पहले, एक घंटा पहले ट्रेवल किया था और मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए रुका हूँ कि आपको मैं ये दिखा सकूँ कि यहाँ के जो सर्विस स्टेशन होते हैं वो कैसे होते हैं। जो है वारिक से, यानी बर्मिंगम से और मैनचेस्टर के बीच में ऐसे मुख्तलिफ आते रहते हैं, मगर हमने जो यहाँ का जो बेस्ट था उसको चूज़ किया है। मुख्तलिफ किस्म के काफ़ी शॉप्स हैं, गाड़ियाँ हैं, जो हैं लोग यहाँ पे गाड़ी अपनी जो है पार्क करके रेस्ट करते हैं। सामने आपको कोचेज़ भी नज़र आएंगी, क्योंकि जब लॉन्ग रूट होता है तो यहाँ पर कोचें भी स्टॉप करती हैं। यहाँ पर जैसे ही अंदर दाखिल होंगे तो गेट के साथ ये कॉफ़ी शॉप है। टेम्परेचर है 0, जिसकी वजह से सर्दी बहुत ज़्यादा है। यहाँ आपको मुख्तलिफ किस्म के खाने के जो हैं वो बर्गर किंग वगैरह मिलेगा और इस तरह यहाँ से आपको मुख्तलिफ शॉप्स हैं जहाँ पे जो चीज़ आपको ख़रीदनी हो तो वो आपको मिलेगी। अच्छा यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे आपको KFC भी मिलेगा और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स के जो खाने वगैरह वो भी मिलेंगे। यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे अगर कोई ट्रेवलर दूर से आता है और यहाँ पे अगर आधा घंटा एक घंटा रेस्ट करता है तो यहाँ पे लॉन्ड्री की सर्विस भी दी हुई है और यहाँ पे अपने कपड़े डाल के और प्रॉपर धो के, क्योंकि वैसे ही रेस्ट करने में आधा घंटा एक घंटा तो वैसे लग जाता है, इतनी देर में आपके जो हैं कपड़े भी धुल जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं ट्रैफर्ड स्क्वायर और ये यूके का दूसरा नंबर बड़ा जो है शॉपिंग मॉल है और इसकी जो एरिया है वो है 2,00,000 स्क्वायर मीटर पे। बहुत ही बड़ा है, बड़ा ही गुंजान है और यहाँ पे आपको दुनिया का हर प्रोडक्ट मिलेगी और दुनिया के जो बड़े बड़े आउटलेट्स हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। आपको रश बहुत ही ज़्यादा मिलेगी क्योंकि वीकेंड है तो, और ये बड़ा ही खूबसूरत बनाया हुआ। सबसे एक तो ये है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए भी यहाँ पे आपको जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है वो पुल्स बीच में बनी हुई है, क्योंकि एक तो ट्रैफिक सेंटर यहाँ पे है और दूसरा जो है रोड के उस तरफ है और उस तरफ जाने के लिए फिर आपको जो है मुख्तलिफ किस्म की ब्रिजेस क्रॉस करनी पड़ती हैं। ऐसे समझें कि एक फैशन सिटी के नाम से इसको भी जाना जाता है। अगर हम यहाँ से सामने देखेंगे तो बहुत ही लंबा जो है ये शॉपिंग मॉल है और लोगों की हजूम है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक ही वक्त में लाखों लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, करने आए हुए हैं। और ज़बरदस्त बनाया हुआ है, दुनिया के जो जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये एप्पल का जो है वो अपना आउटलेट है, ये एप्पल वालों का अपना ज़ाती आउटलेट है। यहाँ पे एप्पल की मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी, मोबाइल्स, वॉचेस, जो जो आईफोन, जो जो चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। आप इनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आए तो यहाँ से आप ऑर्डर भी बुक करवा सकते हैं। मैं खुद परेशान हूँ यहाँ पे लोग करने क्या है, इतनी रश। हम तो घूमने वाले हैं, हम तो घूमने आए हैं और यहाँ पे आपको मनी चेंजर्स और ये जो है सारे आपको मिलेंगे। सैमसंग का ऑफिशियली आउटलेट भी आपको यहाँ मिलेगा, जैसे आपको मैंने पहले एप्पल का आउटलेट बताया तो यहाँ का भी आपको मिलेगा आराम से। अच्छा, ये यहाँ से जो है ये ब्रिज स्टार्ट हो रही है, एक यहाँ से आप, ये यहाँ से ब्रिज स्टार्ट है और एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन से कनेक्ट करने के लिए और पुल के थ्रू आप जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं, यानी बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ से आप ट्रेवल कर सकते हैं आराम से एक जगह से दूसरी जगह पर। और जो मुझे चीज़ अच्छी लगी, एक तो इस चीज़ को यानी दोनों तरफ से जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इसको मेंटेन किया गया है और सबसे बड़ी बात है इसकी सफाई, इतना साफ़ सुथरा है। वहाँ से जहाँ से वो गुंबद नज़र आ रहा है, इससे भी आगे से जो है ये ट्रैफो सेंटर है और यहाँ से सारा हम घूमते 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 और हम यहाँ पे पहुँचे हैं और अभी जो है हम यहाँ इस तरफ से जा रहे हैं और पुल जो है कम अज़ कम 700-800 मीटर की तो पुल होगी यहाँ पर। और ये जो पार्किंग नज़र आ रही है, ये वाली पार्किंग
और वो वाली पार्क है वो जो उधर नज़र आ रही है, वो दोनों जो हैं ये ट्रैफिक सेंटर की हैं और नीचे अंडरग्राउंड से पार्किंग की मुख्तलिफ गाड़ियाँ आ रही हैं निकल रही हैं। यहाँ पे हम जैसे जा रहे हैं तो ये मशीन्स आपको ये मिलेंगी और इसका मशीन का काम यह है कि बाहर यहाँ पे हो रही है बारिश, बूट्स आपके गीले हो जाएंगे तो आप यहाँ पे अपना पाँव रख के और इन बूट्स को जो है आप सुखा सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं जैसे आप चाहेंगे। तो इनके मुल्क मुख्तलिफ किस्म के मुजस्मे आपको दोनों अतराफ से नज़र आएंगे, बड़ी ही शाहकार तस्वीर आपको नज़र आएंगी, यानी इनकी सकाफत को भी देखते जाएँ और सफ़र भी तय करते जाएँ। अभी हम दाखिल हो रहे हैं यहाँ पे फूड कोर्ट में और फूड को है वो चाइना टाउन के नाम से जाना जाता है, अमेजिंग चाइना टाउन और चाइना का लुक आपको आएगा ये। अभी मैं जो खड़ा हूँ ट्रेफो सेंटर का जो फूड स्ट्रीट है यहाँ से हम आए और ये बिल्कुल ही फूड स्ट्रीट है, हज़ारों की तादाद में आपको लोग नज़र आएंगे और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इन्होंने जो ये स्ट्रक्चर बनाया है, जो डिज़ाइन बनाई है, ये एक शिप नुमा बनाई है। सामने आप देख सकते हैं कि जो शिप का जो फ्रंट व्यू होता है ये वही है जहाँ पर चिमनीज वगैरह लगी हुई है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, उससे खूबसूरत जो है ऊपर छत का, क्योंकि आप अगर आप किसी शिप में है तो ऊपर आसमान है, उस आसमान के साथ आपको सितारे और तारे नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी रश है कि यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है। अगर मैं सामने देखूँ तो लोग कतारों में और लाइनों में खड़े हैं अपने बारी का इंतज़ार करने। बेहतरीन समा है, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है और इस बिल्कुल इसके सामने डॉल्बी वालों का जो है सिनेमा है और जिसको आई मैक्स की क्वालिटी से जाना जाता है। आई मैक्स का मकसद यह है कि हाई रेजोल्यूशन 4K से भी ज़्यादा अगर किसी की रेजोल्यूशन होगी तो वो आई मैक्स की फिल्में दिखाई जाएंगी। वन ऑफ द बेस्ट फूड कोर्ट इन द यूके और मैंने आपको पहले ही बताया ट्रेफो सेंटर यूके का सेकंड लार्जेस्ट शॉपिंग सेंटर है, द बेस्ट बनाया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन है और इन्हीं चीज़ों की वजह से दुनिया के जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, फैसिलिटी आप देख सकते हैं, लोगों का रश देख सकते हैं, एवरीथिंग फाइन। सामने टीवी लगी हुई है और टीवी का जो मेन एडवांटेज है, जो भी यहाँ पे फूड कोर्ट वाले हैं वो एक तो वहाँ पे अपनी मार्केटिंग करते हैं और उसके साथ साथ जो भी फिल्म करती है यहाँ पे उसका ट्रेलर आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, आपको आराम से पता चलता है आज की कौन सी फिल्म है। लिटरली अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन है, मुझे बहुत ही मज़ा आया, हमारे फैमिली को मज़ा आया, वेरी अमेजिंग। अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पे मैनचेस्टर आता है तो ट्रेफो सेंटर में यहाँ पे ज़रूर आए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल अमेजिंग, बहुत ही मज़ा आया और मुझे ऐसा फील हुआ कि ये कोई शॉपिंग सेंटर नहीं मगर ऐसा लग रहा था मैं किसी म्यूज़ियम में खड़ा हूँ। इतने छोटे वक्त में यानी कम वक्त में इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना, लिटरली हज़ारों की तादाद लाखों की तादाद में लोग लगे होंगे और वो भी 98 में इसका इनॉग्रेशन हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि 600 मिलियन 98 में इसका खर्चा हुआ था। अगर मैंने इसका मार्बल का काम देखें, स्टील का काम देखें, वन ऑफ द बेस्ट काम हुआ है, लिटरली अमेजिंग। और बिल्कुल ही मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे किसी में म्यूज़ियम में घूम रहा हूँ। तो होपफुली आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और हमने जो कोशिश की है कि अपने इसमें जो है वो
हमने बहुत कोशिश की कि ट्रेफल सेंटर में जो जो चीज़ें थी, खास तौर पे फूड आइटम्स हैं, कपड़े की दुकानें हैं, जो जो चीज़ें थी हमने दिखाने की कोशिश की, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपने इंजॉय भी बहुत किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप दोस्तों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त अपने भाई को दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।